हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। महाराज, विद्याचल के क्षेत्रों में इस बार एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। स्थिति बहुत खराब है। घबराइए नहीं, आज ही राजकर्मचारी वहां जाएंगे और आपके संकट दूर करेंगे। ये आपकी नई पुस्तक है कविराज? जी महाराज, पहली पत्रिका आपके आशा में। तो बहुत सम्मानित हुआ कविराज, इसे मैं अवश्य पढ़ूंगा और फिर चर्चा करूंगा। वाह, चंदन का रंग और चंदन की ही सुगंध, तुम्हारे हाथों में जादू है। सुनो, ये कला अपने तक ही मत रखना और कारीगरों को भी सिखाना। जी आज्ञा महाराज। जय काल भैरव। मंत्री जी। जी महाराज। ये योगीराज कौन है जो रोज सुबह हमें एक फल देकर चले जाते हैं? हम कितने दिनों से उन्हें देख रहे हैं, पता नहीं क्या स्वार्थ है उनका। कहते कुछ नहीं, सिर्फ एक फल देकर चले जाते हैं। मंत्री जी, हम योगीराज के भेंट किए हुए सारे फल काट कर देखना चाहते हैं। मैं जान सकता हूं योगीराज,
कि आप हर दिन इस तरह एक बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों दे रहे हैं? आप मुझे कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं या कोई स्वार्थ है आपका? मैं चमत्कार दिखाने नहीं आया विक्रम, मेरा स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ। ये रहे आपके बहुमूल्य रत्न। विक्रम अपनी प्रजा से बहुमूल्य भेंट नहीं लेता। एक व्यस्त चक्रवर्ती सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं मेरे पास। आप योगी हैं, सच्चे योगी में न लोभ होता है न भय होता है। आप आज्ञा कर सकते हैं, कहिए क्या चाहते हैं आप? मैं सम्राट विक्रमादित्य से कुछ नहीं चाहता, मैं व्यक्ति विक्रमादित्य से मांगने आया हूं, वीर विक्रम से। मिलेगा? आज्ञा कीजिए। मुझे तुम्हारा समय चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए, तुम्हारा, अकेले का। मेरा समय? क्या करेंगे मेरे समय का? तेरी राजनगरी से दूर भयानक जंगल में एक खंडर में मैं एक सिद्धि कर रहा हूं। कल उस सिद्धि के समापन की आखिरी रात है, उस वक्त मुझे एक ऐसी व्यक्ति की जरूरत है जो वीर हो, साहसी हो, किसी से न डरे, और वो वीर पुरुष विक्रम तुम हो, तुम। इसीलिए कई दिनों से मैं तुम्हारे राज दरबार के चक्कर काट रहा हूं। बोलो, कल रात को उस भयानक जंगल में खंडर के अंदर तुम अकेले मेरे पास आओगे? बोलो। मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा योगिराज। यदि मेरी सेवा सहायता से आप परम सिद्धि प्राप्त कर सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। महाराज, मैं बिना अंगरक्षकों के आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं वचन दे चुका हूं मंत्री जी, और विक्रम के जीवन में यह कलंक कभी नहीं लगेगा कि उसने वचन दिया और पूरा नहीं किया। जय काल भैरव। जय भैरवनाथ। चामुंडाय विच्छय, ओम रीम क्लीं 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 चामुंडाय विच्छय। प्रणाम योगिराज। आ गए राजन? राजन नहीं, केवल विक्रम। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। आज्ञा कीजिए योगिराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विक्रम, मैं तुम्हें एक बड़ा विचित्र काम सौंप रहा हूं। इस खंडर के दक्षिण में करीब 2 कोस दूर गहन जंगल पार करने के बाद एक शमशान में एक वृक्ष पर तुम्हें उल्टा लटका हुआ मुर्दा मिलेगा। मेरी साधना की पूर्णाहुति के लिए मुझे उस मुर्दे की आवश्यकता है। तुम जाओ और उसे ले आओ। आप उस मुर्दे का क्या करेंगे योगिराज? प्रश्न मत पूछो, मैं कहूं वही करो। तुम मुझे वचन दे चुके हो। जो आगे। ओम रीम क्लीं चामुंडाय विच्छय, ओम रीम क्लीं चामुंडाय विच्छय। Thank you.
वाह, अरे मान गया वीर विक्रमादित्य, वाह तुम में शक्ति है, साहस है। अरे मैं तो बेताल हूं, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह वाह, मान गया, वीर है वाकई। अरे मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, मुझे मालूम था कि वो धूर्त योगी जरूर तुझे मेरे पास भेजेगा। हाँ, मुझे उठाकर चलते हुए तू थकेगा तो नहीं, मगर ऊब जाएगा। बात तो तू मुझसे कर नहीं सकता, क्योंकि जो ही तूने बात की मैं उड़ के अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा, याद रखना ये मेरी शर्त है। तू एक शब्द बोला और मैं छू मंत्र। सुन, मैं तुझे कहानी सुनाता, बड़ी मजेदार, रास्ता भी कर जाएगा और तेरा मन भी बहलेगा। सुन, पाटलिपुत्र में एक बहुत शानदार मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर देवी का। दूर दूर से लोग उस देवी का दर्शन करने के लिए आते। एक दिन सूर्यमल और उसका मित्र चंद्रसेन पाटलिपुत्र की यात्रा के लिए आए थे और उस देवी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। सूर्यमल ने देवी से क्या प्रार्थना की ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब सूर्यमल ने मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि देवी ने उसे वरदान दे दिया और मन ही मन विचार किया कि अगर इस कन्या से विवाह नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। उसने अपनी मन की बात अपने मित्र से कही तो मित्र ने कहा कि ब्याह करना है तो फिर संकोच कैसा, चलते हैं और कन्या के पिता से बात कर लेते हैं। अरे कन्या की विवाह की चिंता किस पिता को नहीं होती, और जब वर स्वयं निवेदन करने आया तो इसे देवी का वरदान मानकर स्वीकार कर लिया पिता ने। अपनी देवी भक्त पुत्री के लिए उसने सूर्यमल को पसंद कर लिया। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मेरी बेटी बचपन से देवी की परम भक्त है, सुबह शाम देवी के दर्शन के बिना वो भोजन नहीं करती। मैं चाहता हूँ विवाह के बाद भी उसका नियम बना रहे। आप निश्चिंत रहिए बाबा, शादी के बाद वो देवी पूजन के व्रत का पालन हमेशा हमेशा करेंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो तुझा मंगलम करवान संपन्न हो, आज ही तुम दोनों जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा बाबा। आज रात यहां रुक, कल चले जाते। मन तो हमारा भी रहने को कर रहा है, मगर परसों पूर्णिमा है, हमारे यहां कुल देवी का पूजन है। मां ने कहा था जल्दी आना, मां का कहा हम कैसे टाल सकते हैं। पंडित जी महाराज, मेरा मित्र चाहता है कि पूजन से पहले ही हम बहू को ले जाए तो मां देखकर प्रसन्न हो जाएगी। हमें आशीर्वाद दीजिएगा। वाह भाई वाह, भाई मजा आ गया। सूर्यमल व्यापार में भी बहुत कमाया, घर में हमारी भाभी भी आ गई, अब आगे क्या इरादा है भाई चंद्रसेन? अब तो सबसे पहले घर चल के देवी का मंदिर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि तुम्हारी भाभी सुबह शाम देवी के दर्शन कर सके। ये बात हुई ना। चलो
कुछ देर बाद वहां सब कुछ लुट गया। नववधु ने वापस आकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, सब डाकू भाग गए थे और वहां थी दो लाशें जिनकी गर्दनें कटी हुई थी। ये क्या कर रही हो बेटी? मत रोक मुझे। क्या मिला मुझे तेरी भक्ति करके इतने साल? तूने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया, अब मेरे जीने से क्या फायदा? घबरा मत, ये अभी जीवित हो जाएंगे। क्या क्या? मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। कैसे माँ? कैसे? अमृत छिड़ककर देवी ने दोनों को जीवित कर दिया, मगर विक्रम उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे भूल हुई उस दुल्हन से। देवी ने कहा कि तू अपने पति का और उसकी मित्र का सर उनके शरीर के साथ जोड़ दे। अरे दुल्हन खुशी और घबराहट के अंदर सब कुछ भूल गई और उसने अपने पति का सर मित्र के शरीर के साथ जोड़ दिया और मित्र का सर पति के शरीर के साथ जोड़ दिया, तो इसका शरीर और उसका सर और उसका सर और इसका शरीर। अरे ये विक्रम तो बहुत ही होशियार है, समझदार है। सुना है कि जब न्याय करने बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देख, सोच और जवाब दे। सुंदरी के सामने दो नवयुवक हैं, इन दोनों में इस स्त्री का पति कौन सा है? एक ये, वही शरीर जिसे इसने विवाह किया था, पर अब इस पर पति के मित्र का सर लगा है। दूसरा ये, पति के मित्र का शरीर जिस पर पति का सिर है, पति का चेहरा है। न्याय कर विक्रम, न्याय कर। तू बड़ा न्यायी और बुद्धि वाला है, बोल, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बेताल, मनुष्य के शरीर की रचना बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। सारे अंग अपना अपना काम करते हैं। एक अंग जो काम करता है वो दूसरा अंग नहीं करता। इन सब अंगों का स्वामी, इनका मालिक, जो इन सब अंगों को चलाता है वो है सिर अर्थात मस्तिष्क। उसी की आज्ञा से ये सब अंग चलते हैं। मस्तिष्क प्रमुख है, शरीर तो मस्तिष्क का सेवक है। इसलिए जिस शरीर पर उस स्त्री के पति का सर लगा है, वही शरीर वही व्यक्ति उस स्त्री का पति है। वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तुमने। वाकई तो बहुत बड़ा न्यायी है, ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन एक भूल कर गया है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, आजा,
मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल।